चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। आज सुबह से ही सीएम को मिल रही हैं शुभकामनाएं। देर शाम सीएम आवास पर हुआ लोक संध्या का कार्यक्रम। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन ने दी रंगारंग प्रस्तुति। सीएम धामी ने अपनी मां से आशीर्वाद भी लिया। बॉलीवुड कलाकार राघव जुवाल और लोक गायिका कल्पना चौहान मौजूद रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज, और इस मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बता दें आपको कि देर शाम सीएम आवास पर लोक संध्या का भी कार्यक्रम। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन ने रंगारंग प्रस्तुति दी। सीएम धामी ने अपनी मां से भी आशीर्वाद लिया। बॉलीवुड कलाकार राघव और लोक गायिका कल्पना चौहान भी मौजूद रहे। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है, न्यूज स्टेट की टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, और क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है सुरेंद्र? देखिए, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और इसी की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आवास में एक लोक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री। तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और आज बेहद खास दिन है। इस मौके पर आपको बता दें कि सुबह से ही सीएम को शुभकामनाएं मिल रही हैं और तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। अपने मां से उन्होंने आशीर्वाद लिया और आज दिन भर भी कई सारे कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने मां से आशीर्वाद लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। इस मौके पर दिन भर उन्हें शुभकामनाएं मिलेंगी ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, और साथ ही साथ जो उनके करीबी हैं वो भी उन्हें शुभकामनाएं देंगे। चलिए बात करते हैं प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी में तमाम सियासी दल जी जान से जुटे हुए हैं। बीजेपी भी मिशन 2022 की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और इसी के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी आज उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। दो दिवसीय दौरे के दौरान प्रहलाद जोशी चुनाव की रणनीति के लिए कई बैठकें करेंगे, मंत्रियों, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों से बैठक करेंगे और साथ ही कोर ग्रुप की भी बैठकें करेंगे। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो आज दो दिवसीय के दौरे पर रहेंगे और उसके साथ ही साथ क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है प्रहलाद जोशी का? देखिए, प्रहलाद जोशी आज पहली बार उत्तराखंड आएंगे चुनाव प्रभारी बनने के बाद। दो दिन के उनके अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग बैठकें हैं। इनमें जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठकें होनी है, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है, कल कोर ग्रुप की बैठक होनी है, कल पत्रकारों को भी वो संबोधित करेंगे। यानी पूरे दो दिन चुनाव की तैयारियां, चुनाव के लिए नेताओं को जो जिम्मेदारी दी जानी है उस पर चर्चा होगी, और इसके साथ ही प्रदेश में किस तरह से सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाना है, कैसे इसमें काम करना है, ये सारे मुद्दे होंगे जिस पर प्रहलाद जोशी अपनी बात रखेंगे। और प्रदेश प्रभारी से लेकर संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री तमाम बैठकों में मौजूद रहेंगे, और ये तय किया जाएगा कि किस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव, जिसमें मुश्किल से अब करीब 3-4 महीने का वक्त ही रह चुका है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और पूरे फुल स्विंग में हमें पार्टियां नजर आएंगी, तो इसलिए आज का जो दो दिवसीय दौरा है उनका 16 और 17 सितंबर का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दो दिन का जो ये कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रहलाद जोशी और बैठकों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि इस बैठक की अगर बात करें तो मिशन 2022 को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि मुश्किल से 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, इसी को देखते हुए ये बैठकें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड कांग्रेस 17 सितंबर को देहरादून में बेरोजगारी को लेकर 100 दिन का कैंपेन लॉन्च करेगी, और इसके साथ ही उत्तराखंड में 26 सितंबर को बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी से बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत राय ने।